कोटा जिले में शहर के आरके पुनम थाना क्षेत्र में मुख्य सड़क पर कार की टक्कर से घायल स्कूटी सवार बालिका की शनिवार को निजी अस्पताल में मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक बालिका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं इस मामले में आरके पुरम थाने के एएसआई प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि बालिका अंतिमा अपनी मां और भाई के साथ स्कूटी पर जा रही थी कि तभी तेज रफ्तार कार ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी थी। वहीं इस घटना में घायल अन्य दो व्यक्तियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। कार चालक ने पीछे से टक्कर मारने से तीनों दो इलाज के दौरान एडमिट थे और ये बालिका अंतिमा मैत्री हॉस्पिटल में कोरोना ने इलाज जिसका मृत्यु हो गई जिसका पोस्टमार्टम कर रहा है। ये स्लिप लाइन पे रोड पे आ रही थी, सामने से कार वाले ने टक्कर मार दी। कौन चला रहा था गाड़ी? गाड़ी मेरी वाइफ चला रही थी स्कूटी तो। और क्या नाम है उनका? कला भाई। और कौन कौन था? दो बच्चे थे। क्या क्या नाम है? एक तो हरीश, एक अंतिम। गुड़ियारी में हुई आगजनी की घटना को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साफ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग में दुर्भाग्यजनक घटना घटी है, उसकी जांच होगी और जांच रिपोर्ट अनुसार कार्रवाई होगी। प्रशासन और मेरी पार्टी जिस प्रकार मुस्तैदी से काम कर रही है, जिस गंभीरता से घटना को नियंत्रण करने का काम किया गया है, वो काबिले तारीफ है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कोई भी राजनीति नहीं करना चाहता है। देखिए, जो बिजली विभाग में आगजनी की घटना हुई है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटना है और निश्चित रूप से घटना की जांच होगी और जांच कर जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। पर प्रशासन ने जिस मुस्तैदी से और जिस गंभीरता से इस घटना को नियंत्रित करने में पूरा प्रशासन, हमारी पूरी पार्टी लगी और मुझे लगता है कि जो और भयावह स्थिति हो सकती थी उसे नियंत्रित करने का काम किया है। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटना है। ऐसी घटना पर भी कोई राजनीति करना चाहे तो ये ठीक नहीं है। खबर कोटा जिले से है, जहां बांद्रा से बरौनी जा रही अवध एक्सप्रेस ट्रेन में रेलवे मजिस्ट्रेट श्रवण कुमार के नेतृत्व में की गई आकस्मिक चेकिंग के दौरान नकली पानी की बोतलों का भंडार पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक काफी समय से ट्रेनों में यात्रियों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद रेलवे मजिस्ट्रेट सहित आरपीएफ और जीआरपीएफ पुलिस ने कोटा रेलवे स्टेशन पर खड़ी अवध एक्सप्रेस ट्रेन के पैंट्री कार की चेकिंग की और इस चेकिंग के दौरान नकली पानी की बोतलों का भंडार बरामद किया। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट।